हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी जिससे आप नए नए वर्ड सीखेंगे उनके मीनिंग सीखेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं आपकी जो स्टोरी है इसका टॉपिक है है इन लव। इट एक जो उसे प्रेम हो जाता है अ लायन फेल इन लव विद वुड कटर्स ड्योटर अ लायन एक शेर फेल इन लव उसे प्रेम हो गया विद के साथ में वुड कटर्स एक लकड़हारे की डॉटर बेटी यानी कि पुत्री एक शेर को एक लकड़हारे की पुत्री से प्रेम हो गया ही वेंट टू दुड कटर्स टू आस्क हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज ही वह कौन शेर वेंट वेंट मींस गया यहां पर गो की पास्ट फॉर्म है वेंट टू दुड कटर्स टू द वुड कटर्स लकड़ाहरे से टू आस्क पूछने के लिए हिज डॉटर उसकी बेटी का हैंड हाथ इन मैरिज विवाह के लिए वह लकड़हारे के पास उसकी बेटी का विवाह के लिए हाथ मांगने के लिए गया द वुड कटर्स वॉज सॉक्ड टू हियर द लायंस प्रपोजल द वुड कटर्स लकड़ाहारा वॉज वॉज मीन्स था सॉक्ड सॉक्ड यहां पर शॉक की पास्ट फॉर्म है सॉक्ड आश्चर्यचकित था इट मींस हैरान था टू हियर सुनकर द लायंस शेर का प्रपोजल प्रस्ताव लकड़हारा शेर का प्रस्ताव सुनकर हैरान था आश्चर्यचकित था इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल एंड सेव हिज लिटिल गर्ल इन ऑर्डर टू गेट आउट इट मीन्स इस परेशानी से द ट्रबल इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बाहर निकलने के लिए एंड और सेव सेव मीन्स बचाना हिज लिटिल गर्ल अपनी छोटी बेटी को और अपनी उस छोटी बेटी को बचाने के लिए द वुड कटर केम अप विद अ क्लेवर प्लान द वुड कटर लकड़हारा केम ने सोचा विद ए क्लेवर प्लान एक चतुर योजना इट मीन्स एक क्लेवर प्लान को वुड कटर ने लकड़हारे ने सोचा इट मीन्स अपनी बेटी को उस लायन से बचाने के लिए और इस समस्या से बाहर निकलने के लिए लकड़हारे ने एक चतुर प्लान बनाया चतुर योजना बनाई ही सैड वी आर हैप्पी दैट अ ग्रेट क्रिएचर लाइक यू वॉन्ट्स टू मैरी माई ड्योटर ही सैड वह कहता है ही यानी कि वह सैड कहा उसने कहा वी आर हैप्पी वी हम आर हैं हैप्पी खुश हम खुश हैं दट की अ ग्रेट एक महान क्रिएचर प्राणी एक महान प्राणी इट मीन्स लाइक यू तुम्हारे जैसा बॉन्स चाहता है टू मैरी विवाह करना शादी करना माई डॉटर मेरी बेटी से कि हम खुश हैं वी आर हैप्पी दैट अ ग्रेट लाइक यू वांट्स टू मैरी माय डॉटर हम बहुत खुश हैं कि एक तुम्हारे जैसा महान प्राणी मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है बट शी इज अफ्रेड ऑफ योर क्लॉज बट लेकिन शी वह इज अफ्रेड भयभीत है डरी हुई है ऑफ योर तुम्हारे क्लॉज पंजों से एंड टीथ और दांतों से लेकिन वो कहता है लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे पंजे और दांतों से डरती है सो इसीलिए प्लीज गेट रिड ऑफ देम देन माई डोटर इज ऑल योर्स सो इसीलिए प्लीज़ कृपया गेट रिड ऑफ इन्हें हटवा दीजिए देम उन्हें देन और तब माई ड्योटर मेरी बेटी इज़ है ऑल योर्स तुम्हारी इट मीन्स इसीलिए कृपया अपने इन पंजे और दांतों को हटा लीजिए हटवा दीजिए और उसके बाद मेरी बेटी आपकी होगी इस बेटन विद द गर्ल द फुलिस गॉट रिड ऑफ टीथ एंड क्लॉज इस बेटन का मीनिंग होता है प्रभावित उससे इन्फ्लुएंस्ड। इट मीन्स लड़की के प्यार में खोया हुआ वह शेर विद द गर्ल लड़की से प्रभावित द फुलिस लाइन वह मूर्ख शेर गॉट रिड ऑफ टीथ एंड क्लॉज अपने पंजे और दांतों को हटवा देता है द लायन देन वेंट टू द वुड कटर्स हाउस द लायन शेर देन और तब वेंट गया यहाँ पर गो की पास्ट फॉर्म है वेंट गया टू द वुड कटर्स लकड़हारे के हाउस घर और उसके बाद इट मीन्स अपने क्लॉज और टीथ को रिमूव कराने के बाद शेर लकड़हारे के घर गया

तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है द मॉरल इज लव हैज पावर टू कंप्लीटली टर्न योर लाइफ अराउंड प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके जीवन को बदल देता है इट मींस प्रेम आपके जीवन को पूरी तरीके से मोड़ देता है आपके चारों तरफ जो चीजें होती हैं वो आपको बदली बदली लगती हैं। इट मीन्स प्रेम में इतनी पावर होती है जो आपके जीवन को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से बदल देता है आई होप को आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी आपने इससे नए नए वर्ड सीखे होंगे उनके मीनिंग सीखे होंगे तो आपने जो भी नए वर्ड सीखे हैं नए मीनिंग सीखे हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार नई कहानी के साथ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू